बच्चों, आज ड्राइंग की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ बेबी चिक एंड कलर इट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करें, बेबी चिक की कैसे हमें ड्राइंग करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ध्यान से देखिए कैसे हमें बनाना है। क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कल, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आगे की तरफ। अब इसकी बीक, सब कुछ बच्चों ये सेमी सर्कल और सर्कल में चल रहा है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लगभग हमारा सर्कल जो है वो पूरा होने जा रहा है। अब इसका बॉडी पार्ट, बहुत ही इजी तरह से हम लोग करेंगे काम को। इसमें कोई हमें ऐसा नहीं करना है कि आप ड्रॉ ना कर सकें। इसके पंख और इस तरफ भी हम इसके इसी तरह से पंख बना देंगे। इसके बाद इसकी छोटी छोटी लेग्स, कितना इजी है। और फिर ऊपर इसकी सुंदर सी आई, और इसके छोटे छोटे चीक्स भी हम तैयार कर देंगे। और उसके बाद सेम टू सेम हम ऐसा ही चीक इधर भी हम बना लेंगे। अच्छा, इसको सुंदर बनाने के लिए हम बच्चों क्या कर सकते हैं, इसके थोड़े से हम इसमें इस तरीके से हेयर भी दिखा सकते हैं। अभी हमने इसको सिर्फ एक हल्का सा ड्रॉ किया है, ठीक है। जहाँ से भी हमें लगता है कि अभी ये ठीक नहीं लग रहा है, हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद स्केचिंग और फिर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग करीब करीब तैयार कर लिए, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें बुशेज वगैरह और बना देते हैं। तो चलिए हमारे साथ जरा आप भी ड्रॉ करिए इसको बेटा, और बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग करिए। ये मत सोचिए कि गलत होता है तो क्या करेंगे, होता है तो होने दो, ठीक है। वही हमारे बच्चों असली ड्राइंग होती है। अब हमारा ये बेबी चिक का कंपोजिशन जो है पेंसिल में तैयार हुआ है। चलिए अब इसको हम क्या करें, सबसे पहले इसकी ब्लैक स्केच पेन से या फिर ब्लैक कलर जो भी है आपके पास, आराम से बिल्कुल इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। करते जाइए, और जहाँ से भी आपको लगता है कि पेंसिल ये एक्स्ट्रा है हमारी, इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से उसे इरेज कर दीजिए बाद में। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक स्केच पेन से पूरे की आउटलाइन अच्छी तरीके से कर ली। अब चलिए आगे करते हैं क्या, अब हमको इसमें कलर स्कीम देखनी है। सन में सबसे पहले हम लोग रेड कलर यहाँ पर लगाएंगे, और हमेशा की तरह से स्काई जो है वो स्काई ब्लू में रखेंगे हम, स्काई ब्लू, और चिक्स येलो, और येलो की शेडिंग भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसकी बीक को रेड कलर से, लेग्स को हम थोड़ा सा ब्राउन का टच दे देंगे यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और इसी तरीके से ये स्टोन्स हमारे ब्राउन हो जाएंगे। इसके बाद जो बुशेज हैं हमारी, इनको हम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग करेंगे, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन लेते हुए। पर सबसे पहले अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, चलिए चिक्स हम लोग तैयार करेंगे। बच्चों हमेशा कलर का लाइट से डार्क की ओर चलना चाहिए, तो चिक्स में हम लाइट येलो कलर का यूज़ करेंगे। हैंड को राउंड मूव करते हुए कलर लगाना स्टार्ट करिए,
और जो मैंने कलर स्कीम बताई है आपको उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। हल्का ही लगाइए ताकि हम इसमें थोड़ी सी शेडिंग कर सकें। बच्चों, इस कंपोजिशन में हमने काफ़ी कुछ कलर किया अकॉर्डिंग टू स्कीम। अब यहाँ पर देखिए, मैं कलर को चेंज कर रही हूँ, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, और इस जगह पर लैंड के फोरग्राउंड में मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। और हमारी टेक्निक वही रहेगी, अपने हैंड को थोड़ा सा आप राउंड शेप में घुमाइए। जिस तरह से भी आप अपने हैंड की मूवमेंट देंगे बच्चों, उसी तरीके का इम्प्रेशन हमारी ड्राइंग पर बनता जाता है। करते रहिए इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक बार तो कलर कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा क्या करें, हम शेडिंग भी करेंगे। देखिए, लाइट येलो, और मैंने कहीं कहीं पर इसमें ड्राइंग को छोड़ भी रखा है, इसीलिए छोड़ रखा है ताकि यहाँ पर हम शेडिंग भी दे सकें। लगाइए, देखिए मैं डार्क येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से शेडिंग की जाती है। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है आप वहाँ पर शेडिंग जरूर करेंगे, लाइट से डार्क की ओर चलना सॉफ्ट हैंड के साथ। ठीक इसी तरीके से आप इस वाले चिक में भी काम करेंगे। बच्चों, इस कंपोजिशन को हम फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर चिक्स में देखिए लाइट से डार्क की ओर बढ़ रहे थे, अब यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल एकदम रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, और देखिए कितने सॉफ्ट हैंड के साथ मैं यहाँ पर इसमें कहीं कहीं पर, क्योंकि जब भी हम डार्क कलर का यूज़ करते हैं तो बहुत ही हल्का और हमें संभाल करके उसका यूज़ करना चाहिए। और फिर हम ये चिक्स बना रहे हैं बच्चों, तो जो चिक्स हैं फरी होते हैं बहुत, इनके जो पंख होते हैं, इनका जो फर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो हमें वो चीज़ भी दिखाने के लिए अपने कलर को, अपने हाथ को बहुत ही हल्का चलाना होगा। कहीं कहीं पर हम डार्क भी हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हैंड को टाइट चलाएंगे तो कलर का इफेक्ट बदल जाता है। यही चीज़ सीखनी है। जहाँ भी आपको लगता है आप इसमें टच दीजिए। और बहुत ही थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए किस तरीके से ब्लैक का टच, बहुत ही हल्का कहीं कहीं पर, क्योंकि ब्लैक के बाद हमारे पास और कोई भी कलर नहीं होता है, और अगर ब्लैक बहुत ज़्यादा लग गया तो बच्चों बहुत मुश्किल है संभालना। हम जो यहाँ पर ये ब्लैक लगा रहे हैं बच्चों, ये कहलाती है डेप्थ यानी डार्कनेस। तो बच्चों हमारा ये कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके का कंपोजिशन बच्चों आप बनाने की पूरी प्रैक्टिस करिए और देखिए किस तरीके से हमें ड्राइंग में शेडिंग, कलर चेंज करना, कहाँ पर हमें डार्कनेस रखनी है, ये सब चीज़ आपको समझ आएगी। बिल्कुल फ्री हैंड वर्क करिए।
बच्चों आप इस कंपोजिशन को बना करके खूब एंजॉय भी करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि कुछ नया सीखा। फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों।